नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सियासत में गजब की गहमा गहमी देखने के लिए मिल सकती है। बता दें कि सभी 40 के 40 लोकसभा क्षेत्रों में जितने भी प्रत्याशी हैं वे अपना दमखम लगा रहे हैं चुनाव में जीत पाने के लिए। ऐसे में बात करें बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर दो महिला प्रत्याशियों के बीच बेहद ही कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। ऐसे में बात करें आरजेडी की ओर से प्रत्याशी ऋतु जायसवाल की, तो वे लगातार अपना दमखम लगाती हुई देखी जा सकती है। बता दें कि पिछले दिनों कई तरह की तस्वीरें उनके सामने आए हैं, कई तरह के वीडियोस उनके सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वे जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, एक एक कर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और उनसे वोट की अपील भी करती हुई देखी गई हैं। ऐसे में ऋतु जायसवाल का एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वे जनसंपर्क अभियान को लेकर के ही अपनी जनता, आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच पहुंची हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि हर हाल में आरजेडी की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने वोट की अपील भी की लोगों से और साफ तौर पर यह कहती हुई दिखाई दी कि वे हर हाल में शिवहर का विकास करेंगी और ऐसा वक्त भी आएगा जब शिवहर पूरे देश भर में जाना जाएगा। क्या कुछ कहती नजर आई ऋतु जायसवाल, आप खुद सुन लीजिए। उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन हैं, मुझसे बड़े, उन सबको मैं चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरा आशीर्वाद और प्यार। आज आप सबके बीच में आपके आशीर्वाद के लिए ही आई हूँ और आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि आपके दिए गए एक एक वोट से अगर सदन तक पहुँचती हूँ, तो आपके दिए गए एक एक वोट का बिना जात पात किए, बिना धर्म के भेदभाव किए, आप सबका एक समान रूप से सम्मान करूंगी। विकास का कार्य तो करूंगी ही करूंगी, साथ ही आपको अपने दिए गए एक एक वोट पे गर्व होगा कि आपने सही प्रत्याशी को वोट किया था, जिसके अंदर इंसानियत भी है, मानवता भी है, एक बराबर सबको लेकर के चलने की क्षमता भी है, इंसानियत भी है। और रही विकास की बात, तो इससे विकास के लिए हमें किसी और का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें हमारे कार्यों के लिए ऑलरेडी देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक सर्वोच्च पंचायत का पुरस्कार और हमें तमाम पुरस्कार से सम्मानित करके अपने काम को हमने बताया हुआ है। तो बस अगर ये मौका मिलता है, जब एक गांव की मुखिया होकर के पूरे देश में सिंहवाहिनी की पहचान दिला सकती हूँ, तो वादा करती हूँ कि तो अगर मौका मिला तो शिवहर भी पूरे देश में जाना जाएगा अपने विकास के लिए। गांव में जब मुखिया बनी तो जब भी जुड़ती हूँ दिन से जुड़ती हूँ, इधर लिखा है सिंहवाहिनी, यहाँ जगह खाली है शिवहर के लिए। ये हाथ ऋतु जायसवाल का वो बयान सुना, ऋतु जायसवाल की वो बातें सुनी, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। इसके साथ ही साफ तौर पे उनका ये कहना था कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास तो करेंगी ही, लेकिन एक एक वोट जो जनता उन्हें देंगी उसे लेकर के जनता को गर्व होगा कि उन्होंने सही प्रत्याशी को जीत दिलवाया है। बता दें कि ऋतु जायसवाल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, लगातार वे लोगों के बीच पहुंच रही हैं। इसके साथ ही कभी वो लालटेन हाथ में पकड़ी हुई देखी जाती हैं, तो कभी रोड शो करते हुए, इसके साथ ही कई तरह की गतिविधियों में लगातार ऋतु जायसवाल बनी हुई हैं, ताकि जनता के बीच वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और वोट की अपील कर सके। ऐसे में एक नया वीडियो उनका सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने वोट की अपील जनता से की है। इस बीच आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल को शिवहर में एनडीए की ओर से लवली आनंद टक्कर दे रही है। साफ तौर पर लवली आनंद भी अपने काम को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही हैं।
हालांकि यह तो देखने वाली बात होगी कि आखिर शिवहर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। एक तरफ जहां रितु जायसवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि शिवहर के लिए उनके दिल में जगह खाली है, तो वहीं दूसरी ओर लवली आनंद भी दावे करती हुई देखी जा रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कुछ सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।